नमस्कार भाई दोस्तों, ये तो बिल्कुल सच्चाई है। लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है, बहकाना बहुत आसान है। अगर हम भी चाहें तो बड़ी बड़ी बातें करके आपको बहका सकते हैं, लेकिन बहकाना नहीं भाई, सच्चाई बतानी बहुत जरूरी होती है। और सच्चाई ये है, चाहे वो किसान नेता है, चाहे वो मजदूर नेता है, चाहे वो किसी का भी नेता है, नेता हमेशा हमारे साथ खेलते हैं। सबसे ज्यादा आज के समय में अगर कोई राजनीति कर रहा है तो किसान नेता कर रहे हैं। किनके साथ? बहुत साथी बोलते थे आपने पहलवानों के लिए वीडियो नहीं बनाया। एक बात बता देता हूं, पहलवान अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग बिल्कुल गलत हैं। सच्चाई ये है, उनके नाम पर जो राजनीति करे ना, वो लोग गलत हैं और पहलवान अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। मैंने बहुत मतलब के तकरीबन लगा लो 6-7 महीने पहले और एक बार किसान आंदोलन में बोला था मैंने कि भाई फलाना किसान नेता गलत है, चलो नाम ही ले देते हैं यार, नाम दे देते हैं, इसमें क्या झूठ है। चरूनी साहब क्या कर रहे हैं? चरूनी साहब हमारे साथ बहुत बड़ी राजनीति कर रहे हैं, बहुत बड़ी राजनीति। चरूनी साहब आपको पहले भी मैसेज दिया था, दोबारा फिर मैसेज दे रहे हैं, ये गलत है जो आप कर रहे हो। पंचायत किसकी? पंचायत पहलवानों के नाम से, पंचायत पहलवानों के नाम से। और वहां पे मैंने एक बार पहले बोला था, अगर भाई आपको किसान आंदोलन करना है तो इसके अंदर आपको जैन चौधरी को बुलाना चाहिए था, जैन चौधरी को बुलाना चाहिए था ना। उस समय तो इन लोगों ने बुलाया नहीं, क्योंकि इनको ये दिमाग में ये था, तुम तो बहुत बड़े नेता हो, तुम तो पता नहीं कौन से विश्व गुरु बन गए हो। उस समय जैन चौधरी से किसी ने बात नहीं की, जबकि जैन चौधरी ने 52 से लेकर 75 तक महापंचायतें की थी किसान आंदोलन के लिए, वहां पे बंदों को भेजने के लिए। तब तो किसी ने नहीं बोला, बोला नहीं, बोला वो राजनीति करने वाला बंदा है। चरूनी साहब अभी क्या हो गया जो आप उसको जैन चौधरी को बुला रहे हो? अभी क्यों बुलाया उसको, क्यों बुलाया उसको? क्यों? क्योंकि ये लोग हमारे साथ सरेआम राजनीति कर रहे हैं। ऊपर से राकेश टिकैत साहब, राकेश टिकैत साहब तो इतने अच्छे हैं, जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता। बोलते ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अरे वहां पे कवि भी नहीं पहुंच सकता, वहां पे राकेश टिकैत साहब पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते हैं हमेशा। चाहे वो लखीमपुर खीरी का कांड हो, जहां पर जबकि जैन चौधरी को लाठियां लगी थी, एक बंदे को ना लाठी लगती ना डंडा लगता, वो वहां पे पहुंच जाता और फैसला करवा देता है। कब आपकी समझ में आएगा, कब समझ में आएगा? अभी टिकैत साहब बयान दे रहे हैं, ठीक है भाई, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हालांकि बयान वो अलग टाइप से दे रहे हैं, लेकिन हाँ, ये सच्चाई जरूर है, कहीं ना कहीं पानी जरूर मरता है भाई, पानी मरता है। अब आते हैं हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के नेताओं के ऊपर। ध्यान से सुनना दोस्तों, जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात रखने की जिम्मेवारी हमारी है। किसान आंदोलन के दौरान मैंने बोला कि भैया जो किसान नेता है गलत कर रहे हैं, तब मेरे क्या बोला गया, फौजी अभी मान जा, आंदोलन टूट जाएगा, इससे आंदोलन टूट जाएगा। चलो कोई बात नहीं भाई, हम मान गए, हमने बात रोक दी। जबकि हालांकि बहुत से लोगों मेरे पास फोन आए थे, ऐसे मत कर यार, जो सच्चाई हुआ बता दी, सच्चाई है वह बता दे, सच्चाई आपको बार बार बताई। अपने साथ क्या बीती वो छोड़ो, इन किसान नेताओं ने अपने साथ क्या किया था उसको तो आप छोड़ ही दो, इन्होंने बहुत कुछ किया था, बहुत कुछ, लेकिन ये करते रहेंगे। अपना काम है सच्चाई बताना। सच्चाई ये है, पंजाब के अंदर एक नया कानून बन गया, किसी को पता है क्या भाई? नहीं पता हो चलो मैं बताता हूं, पंजाब के अंदर नया कानून बन गया, अगर आप नशे के खिलाफ कोई भी मुहिम चलाते हो तो आपके ऊपर 307 का पर्चा दर्ज हो जाएगा, 307 का पर्चा दर्ज हो जाएगा अगर आपने नशे के खिलाफ कोई बात बोल दी तो। शाबाश, बदलाव किया भाई पंजाब ने। अब बदलाव करने जा रहा है हरियाणा, हरियाणा कौन सा बदलाव करने जा रहा है? हरियाणा का ये समझ में नहीं आ रही कि कौन नेता है कौन नहीं है। हरियाणा के साथ बहुत बड़ा गेम खेला जा रहा है। चलो आज फिर वही सवाल करता हूं मैं, बताना किसने बोला था पंजाब से हरियाणा अलग करो, किसकी डिमांड थी ये, इसके बारे में किसी को पता है क्या? एक बार पूरा पट के देखना तब आपकी समझ में आएगा कि संयुक्त पंजाब को तोड़ने वाले लोग कौन थे। पहले ही बताया था आपके अंदर है ना, नेता सेट किए जाते हैं। पहलवान आज भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो पहलवानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ना, वो लोग गलत हैं। बोलते हैं भाई चरूनी, इसकी आईटी सेल बहुत बड़ी है, इसकी आईटी सेल की एक बंदा पुंगी बजा रहा है, एक बंदा, उसका नाम बताएंगे फिर दिक्कत होगी सबको। उस बंदे ने इनके हाथ खड़े करवा रखे हैं, हाथ खड़े सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने एक वीडियो घेर दिया दीपक फौजी जो अपना फेसबुक के ऊपर पेज है उसके ऊपर, कि भाई राकेश टिकैत साहब सरेआम बीजेपी की वोट मांग रहे हैं। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं वहां पे, आप मैसेज खुद पढ़ना, भाई तू झूठ बोल रहा है, वीडियो बहुत है, वीडियो यार पूरा है,
राकेश टिकैत साहब ने मेरे से पर्सनल जब मैं मिला था, मैंने पूछी थी तो खुद बोल रहा था कि राजनाथ सिंह के साथ उनके संबंध है, घरेलू संबंध है। राजनाथ सिंह साहब के साथ उनके घरेलू संबंध है। आप लोग बोल रहे मैंने वीडियो गलत घेर दिया, वीडियो गलत घेर दिया क्या? आप अंदाजा लगाना, इतना बड़ा किसान आंदोलन होया था, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, 4 में बीजेपी जीत गई, 1 में आम आदमी पार्टी जीत गई। आम आदमी पार्टी गलती से इसलिए जीत गई पंजाब के अंदर क्योंकि पंजाब ना कांग्रेस को पसंद करता था और ना ही बीजेपी को पसंद करता था, लेकिन उनको क्या पता था कि उन्होंने बी टीम को पसंद कर लिया। आज पंजाब के हालात क्या कर रखे हैं, पंजाब के हालात ऐसे कर रखे कि पंजाब के अंदर कोई जाने से डर लगता। भाई हम खुद बता रहे इस बात को, डर लगता पंजाब के अंदर जाने में। ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं, ऐसे ऐसे नियम बना रखे हैं, जो भी हक और सच की बात करता है उठाओ उसको गिरफ्तार करो, एनएसए लगा दो, डिब्रूगढ़ भेज दो, ये फलाना कर दो, ये कर दो, ये चला हुआ पंजाब के अंदर। क्यों भाई फिर आवाज कौन उठाएगा, आवाज कौन उठाएगा? हम अगर आवाज उठाते हैं, हाँ ये तो भाई आतंकवादी है, पातंकवादी है, खालिस्तानी है, फलाना है, धिमकाना है, ये है वो है, इसको तो पैसे मिलते हैं खालिस्तान की तरफ से, यही सवाल उठते हैं ना। तुम्हारे को क्या मिलता भाई ये बताओ, तुम गलत कमेंट करते हो, तुम्हारे को मिलता क्या है? मैं बताऊंगा तुम्हारे को क्या मिलता है, ठीक है ना? तुम भले ही गलत कमेंट करो, 1000 बार गलत कमेंट करो तुम, लेकिन एक बार आना कमेंट में फूफा बोल दिया करो, दोबारा फिर करें यही बात में, एक बार कमेंट में फूफा बोल दिया करो। और तुम्हारा लगता हूं मैं, सही मायने में लगता हूं मैं, क्योंकि हमारे को सच्चाई का पता है। जो आम आदमी की बात है वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती, जो आम आदमी के मन में सवाल है वो कभी पहुंच पाता नेताओं तक। बताओ किस नेता के पास पहुंच पाता, तो चाहे वो कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी है, कोई भी पार्टी है, आम आदमी का सवाल कभी पहुंच पाता उन तक? आज एक सवाल हम करते हैं भाई, अगर आप लोग कहते हो ठीक है हम बैठ कर वीडियो बनाते हैं, अगर आप कहो तो इंटरव्यू लेने शुरू कर देंगे सभी नेताओं के लेंगे, मेरे को पता है। दूसरा सवाल करते ही जेड़ में मिलूंगा मैं, दूसरा एक सवाल किया दूसरा करते ही मिलूंगा, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। चाहे वो आपका किसान नेता है, मजदूर नेता, किसी पार्टी का नेता है, चाहे वो अभी नेता है, किसी के पास भी सवालों का जवाब नहीं है। आपको नहीं पता होगा इस बात का, अपनी आंखें खोल लो, अपनी आंखें खोल लो और पहचानो दुनिया के अंदर चल क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त पंजाब एक करो, अगर संयुक्त पंजाब एक नहीं हुआ ना तो आप ऐसे ही अलग अलग मार खाते रहोगे, अलग अलग मार खाते रहोगे। और हम पिट रहे हैं, हर जगह पिट रहे हैं, हम कहां नहीं पिटे हम बताओ? आप बोले था ना नंबर सबका आएगा, दोबारा फिर कह रहे हैं बात, नंबर सबका आएगा, अंधभक्तों का भी नंबर आएगा, जो ये अंधभक्त गलत कमेंट करते हैं ना नंबर इनका भी आएगा, बड़ी जल्दी देखना नंबर इनका आएगा बड़ी जल्दी। लेकिन आप क्या करते हो, आप सिर्फ नेताओं की बात सुनते हो, हाँ भाई फलाने नेता ने ये बोल दिया, हाँ बस यही बंदा ठीक होगा। इस गलतफहमी से बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ तब आपको दुनियादारी के बारे में पता चलेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक भज्जी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करते रहे, करते रहेंगे और करते रहेंगे, जो बात होगी असली वो आपको बताएंगे हम। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। नानक ना चढ़ती कला, तेरे बाणे सर्वदा भला।